सरकार ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और सीनियर एडवोकेट के वी विश्वनाथन को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर नियुक्त के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इन दोनों को शुक्रवार को शपथ दिलाई जाएगी। इनके शपथ के साथ ही सुप्रीम कोर्ट पूरे स्ट्रेंथ के साथ काम करने लगे। सुप्रीम कोर्ट में कुल सेक्शन पद 34 हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 16 मई को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और सीनियर एडवोकेट के वी विश्वनाथन को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर नियुक्त करने के लिए दोनों के नामों की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने 2 दिन के भीतर इनके नाम पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर सीनियर एडवोकेट विश्वनाथन की नियुक्ति के साथ ही वह 11 अगस्त 2030 के बाद चीफ जस्टिस बनेंगे और 25 मई 2021-31 को रिटायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में 5 सदस्यीय कॉलेजियम ने इन दोनों के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजा था ताकि दोनों को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर नियुक्त हो सके। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में कुल सेक्शन पद 34 हैं और अभी 32 पद भरे हुए हैं। जस्टिस मिश्रा फिलहाल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। वह 10 दिसंबर 2009 को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस बने थे और बाद में 13 अक्टूबर 2021 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए। वहीं एडवोकेट विश्वनाथन 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। 1988 में तमिलनाडु में वकील के तौर पर पंजीकृत हुए थे। 2009 में वह सीनियर एडवोकेट बनाए गए थे। संवैधानिक से लेकर अन्य तमाम तरह के मामले में वह सुप्रीम कोर्ट में पेश होते रहे। कई मामलों में वे कोर्ट के सलाहकार भी बनाए गए हैं। SP9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।